शर्मिला स्वीट पोटैटो बेचने वाला। क्या हुआ कुरुसुके? क्या आपने सुना नहीं? ये आवाज सुनिए, स्वीट पोटैटो वाला है ना? है ना? लेकिन अभी अभी तो तुमने डिनर किया था ना? आप सही कह रहे हो मॉम। अच्छा सुनो कुरुसुके, तुम खरीद सकते हो। क्या आप सच कह रही हैं मॉम? भुनी हुई स्वीट पोटैटो वाले। स्वीट पोटैटो याद नहीं है? मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाओ। ले लो स्वीट स्वीट पोटैटो वाले। इधर मैं इधर हूँ, यहाँ। ये क्या हुआ? ये रहा, ये तो आगे निकल गया। सुके, अरे तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भुनी हुई स्वीट पोटैटो वाला चला गया। क्या स्वीट पोटैटो? वो मम्मा ने लाने के लिए कहा था ना। स्वीट पोटैटो ले लो। स्वीट पोटैटो। चलो कुछ गिफ्ट के लिए ले लेता हूँ। सुनो, अरे उसने तो सुनकर भी अनसुना कर दिया। क्या पापा भी? मैं उसे माफ नहीं करूँगा। अजीब बात है, कस्टमर्स देखकर भाग जाता है तो आखिर ये बिजनेस कैसे करेगा? मुझे नहीं लगता वो कुछ बेच पाता होगा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या आपने स्वीट पोटैटो वाले की शक्ल देखी थी? उस समय अंधेरा था इसलिए मैं। तो वाकई बहुत अजीब स्वीट पोटैटो वाला था, सुनकर भी भाग गया। जब उसने कुरुसुके और अंकल की शक्ल देखी तो वो भाग गया। इसका मतलब मुझे लगता है वो आदमी दोनों को जानता होगा। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर बेंजो। लेकिन उस आदमी की उम्र काफी ज्यादा थी। वैसे कुरुसुके ने भी तो यही बात कही थी। अच्छा बताओ मियो को, ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी बस खरीदने जा रही थी। मियोको को स्वीट पोटैटो चाहिए था। क्या कहा? स्वीट पोटैटो चाहिए। देखो अब तुम लोग शोर मचाकर मुझे परेशान मत करो। कितरेचो, तुम क्या बना रहे हो? मैं ऐसी चीज बना रहा हूँ जिससे तुम उस स्वीट पोटैटो वाले से बदला ले सको। अजीब सी शेप है ना। कुरुसुके एक काम करो, तुम बूटा गोरिल्ला से कहो कि वो स्वीट पोटैटो बनाए। क्या वो मेरी बात इतनी आसानी से मानेगा? मैं तुम्हें इसका अच्छा तरीका बताता हूँ। आइए आइए, मेरे पास बहुत सारे स्वीट पोटैटोज हैं बेचने के लिए। लेकिन कुरुसुके मैं सिर्फ स्वीट पोटैटोज ही क्यों बेचूं? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम जलाना चाहते हो। कुरुसुके लेकिन तुम ये बात कैसे जानते हो? एक समुराई सारे सीक्रेट जानता है। ये सीक्रेट सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगा। मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे इतने कम नंबर कैसे आते हैं? अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो तुम स्कूल जाकर पढ़ाई करो, जाओ। मैं जानता हूँ कि स्कूल में सिर्फ मजेदार बातें ही नहीं होती हैं।
राइस पेपर उड़ रहा है। मैं इसे पकड़ता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो तुम भी मेरी मदद करो कोरोसुके। लेकिन वो तो चला ही जा रहा है। रुको, रुक जाओ, बच जाओ, रुक जाओ, रुको। पापा आप दुकान पर काफी कचरा इकट्ठा हो गया था, इसलिए मैं उसे यहाँ पर जला रहा था। तो जाओ इन्हें भी साथ में जला दो, जल्दी जल्दी जाओ। ये तो लॉटरी टिकट है पापा। चुपचाप इन्हें जला दो, बस अपनी मॉम को मत बताना। प्लीज इन्हें जला देना, ठीक है? जला देना। इस घर में जलाने की चीजों की कोई कमी नहीं है। मेरा काम हो गया। तुम लोग आ गए, मेरा काम भी हो गया। क्या हो गया? अरे ये क्या है कितरेत्सु? इसे कहते हैं स्मेली टेंगू। जिस स्मेल के बारे में जानना चाहते हो वो इसे सुंघा दो और फिर इस स्मेली टेंगू को उस स्मेल को ढूंढने दो। हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ कितरेत्सु, इसमें कौन सी बड़ी बात है बताओ तो। लेकिन इस स्मेली टेंगू की सुंघने की शक्ति हम लोगों से 4000 गुना ज्यादा है। बस देखते जाओ, अब मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अजीब स्वीट पोटैटो वाला। हाँ ये हो सकता है, मिस्टर बेंजो के घर की तरफ। ओके चलो चलते हैं, वो पास ही है। मिस्टर बेंजो, आप ठीक तो है ना? ये स्वीट पोटैटोस। ये क्या मिस्टर बेंजो, इतने सारे स्वीट पोटैटोस? तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा। भुने हुए स्वीट पोटैटो आपको इतने पसंद है? नहीं मैंने तो ये सब रिसर्च के लिए खरीदे थे। कहीं आपने स्वीट पोटैटोस बेचने का काम शुरू तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं ये तो यूनिवर्सिटी की सेमिनार के लिए है। मिस्टर बेंजो अच्छा होगा आप स्वीट पोटैटो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। ये मजाक का वक्त नहीं है, समझे बूटा गोरिल्ला? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कितरेत्सु, ये हमें परेशान कर रहा है। कर सके। अरे इतने ज्यादा स्वीट पोटैटोस, मिस्टर बेंजो भी ना? वो कल रात से बस स्वीट पोटैटोस ही खा रहे हैं और कुछ नहीं। फ्री में लेना ठीक बात नहीं है ना मॉम? हाँ तुम ठीक कहते हो, हम उन्हें डिनर पर इनवाइट करेंगे। मिस्टर बेंजो बहुत खुश होंगे। स्वीट पोटैटो ले लो। बाहर भी बहुत काम। अरे देखो लगता है वो यहीं आया है, चलो चलो। लगता है लड़कियों को ये बहुत पसंद है। अरे ये आवाज, ये तो उस स्वीट पोटैटो वाले से मिलती है। रुक जाओ। अरे वो तो बिना रुके चला गया। उसने गाड़ी रोकी क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता कि वो मिस्टर हिकीची थे। सही कहा, तभी तो वो भाग गया। क्या इसे हिकीची स्वीट पोटैटो कहते हैं? एक काफी बुजुर्ग आदमी है जिनका नाम मिस्टर हिकीची है, वो बड़े प्यार से स्वीट पोटैटो उगाते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। वैसे वो स्वीट पोटैटो बहुत ही टेस्टी थे जो मिस्टर बेंजो ने हमें दिए थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से भूना नहीं गया था। वो शायद कोई नकली हिकीची होगा जो स्वीट पोटैटो बेच रहा था। कितने सो? अरे ये तो बूटा हो ही रहा है। अरे क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पता है मिस्टर बेंजो कहाँ है? जब मैं उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट करने गया था तो वो घर पर नहीं थे। क्या उनसे कोई काम है? बात यह है कि तरेत्सु कि पापा इस स्वीट पोटैटो को लेकर बहुत परेशान हैं। लेकिन ये तो अच्छी तरह से भुनी भी नहीं थी। ये भुनी नहीं है कि तरेत्सु, इसीलिए पापा जान गए कि ये अच्छी है। कितरेत्सु ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है क्योंकि मेरे पास ये है। ये नहीं हो सकता। अरे बाद में मैंने इसे ठीक कर दिया था जिससे ये दूर की चीजों को पकड़ पाए। ए कोरोसुके चलो मेरी साइकिल पर चलते हैं। ये ठीक रहेगा। कोरोसुके इस वक्त तुम्हारी लोकेशन क्या है? हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। अरे इसकी नाक तो और भी ज्यादा लाल होती जा रही है। लाल लाल और लाल। हाँ पास में ही है वो, मैंने उसे ढूंढ लिया। उसे जाने मत देना। क्या वो बच निकला? हम पीछे लगे हुए हैं। अरे क्या हुआ कोरोसुके? कोरोसुके जवाब दो। कोरोसुके लगता
लगता है मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई हैं। तुम तो ठीक हो ना? जिंदा हूँ बस। एक कोरोसुके, ना मत ऐसे ही लेटे रहो, ठीक है? एक्टिंग करो जैसे तुम बेहोश हो। ठीक है। तुम दोनों ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? मिस यूकी, आप तो मिस यूकी है। कितने तो बात सुनो, सस्पेक्ट मिस यूकी है। मैं तो बस मिस्टर बेंजो की कार वापस करने जा रही थी। मिस्टर बेंजो की? मिस्टर बेंजो यहाँ बैठे हुए थे क्या? हाँ, पता नहीं क्यों वो अपनी कार छोड़कर अचानक कहीं भाग गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या ये कार सच में मिस्टर बेंजो की है? बताओ। हाँ। ओहो, अब तो मुझे बाहर आना ही पड़ेगा। मिस्टर बेंजो, मैंने तो अपने आप को बड़ी अच्छी तरह छिपा कर रखा था। मैंने आपको आपके भागने के तरीके से पहचान लिया था। अच्छा, तो इसका मतलब वो सस्पेक्ट मिस्टर बेंजो थे। तुम सबको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। पता है, आपने हमें बहुत परेशान किया। मिस्टर बेंजो, आई एम सॉरी। मुझे समझ नहीं आता कि भुने हुए स्वीट पोटैटोस बेचने में शर्म की क्या बात है। बूटा गोरीरा बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। गुस्सा मत हो, मुझे भुने हुए स्वीट पोटैटो बेचने में बहुत गर्व महसूस होता है। स्वीट पोटैटो वाले, जरा रुक जाओ। स्वीट पोटैटो वाले, मुझे जरा देर हो रही है, मैं यहाँ से चलता हूँ। मैं बैठ जाऊँ? पर आपने ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे अभी मत पूछो, इसकी वजह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये क्या, वो स्वीट पोटैटो वाला फिर से चला गया। मुझे लगता है वो बहुत शर्मीला है, कुछ ज्यादा ही। चलो चलते हैं कोरोसुके। हाँ चलो चलते हैं। वो बहुत शर्मीला है। दरअसल मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूँ। हाई कीची अंकल हमारे गांव में रहते हैं और हर साल वो गांव में स्वीट पोटैटोज उगाते हैं। उन्हें स्वीट पोटैटोज उगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर साल वो उन्हें बेचने यहाँ शहर में आते हैं। तुम्हें क्या लगता है बेंजो में क्या कमी है? मेरा बेटा बेंजो शुरू से ही बहुत शर्मीला है। अगर वो कस्टमर्स के आसपास ही गाड़ी चलाए तो कैसा रहेगा? मैं चाहता हूँ कि मेरे कस्टमर्स मेरी कड़क आवाज को सुने और उसको सुनकर ज्यादा कस्टमर्स आए ताकि बिजनेस अच्छा रहे। ओ, मिस्टर बेंजो गाड़ी में ये टेप चला रहे थे? हाँ यही बात है। आप स्वीट पोटैटोस क्यों नहीं बेच सकते हैं मिस्टर बेंजो, बताइए। दरअसल अंकल ने कहा था कि अगर मैं खराब टेस्ट वाले स्वीट पोटैटो बेचूंगा तो उनका नाम खराब होगा। पिछली बार के भुने हुए स्वीट पोटैटो क्या आपने बनाए थे? हाँ, फिर तो आपको स्वीट पोटैटोस बिल्कुल नहीं बेचने चाहिए मिस्टर बेंजो। पर अगर आप स्वीट पोटैटो नहीं बेचेंगे तो आपके अंकल को बहुत नुकसान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर बेंजो का ही स्वीट पोटैटोस भूनना ठीक रहेगा। लेकिन हाइकीची अंकल के पास तो 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? तो फिर हम उनके एक्सपीरियंस को कॉपी कर लेते हैं। ऐसा करना ठीक रहेगा क्या? मैं स्मेली टेंगू की पावर और बढ़ा देता हूँ जिससे कोई गलती ना हो। यानी मुझे उनकी नकल करनी होगी? वैसे भी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम ठीक कहते हो। बेंजो ने ये कुछ चीजें आपके लिए भेजी हैं। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं ये स्वीट पोटैटो भूनकर इसकी स्मेल इसको दे दूं? इसमें लिखा है कि इस बार आप ना नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ? इसका मतलब हुआ इस बार आपको बेंजो की बात सुननी ही होगी। मतलब मुझे ही करना है क्या? कितरेत्सु, ये बॉक्स मेरे लिए गांव से आया है। इतना बड़ा बॉक्स, इसके अंदर क्या है मिस्टर बेंजो? इसमें टेंगू के साथ साथ बहुत सारे स्वीट पोटैटोस भरे हुए हैं। ओके, मैं सबको बताकर आता हूँ। मियोको, क्या तुम टेस्टी भुने हुए स्वीट पोटैटोस खाना चाहोगी? बोलो। तुम बार बार मुझसे एक ही बात क्यों पूछ रहे हो? एक बात समझ नहीं आई, पता नहीं लड़कियाँ स्वीट पोटैटोस खाने में भला शर्माती क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है। तोंगारी का दिमाग घूम गया, तोंगारी का दिमाग घूम गया। ओ, बूटा गोरीरा। अरे ये क्या, सब लोग एक साथ? लगता है स्वीट पोटैटो देखने जा रहे हो।
बूटा गोरिल्ला, ये तुम्हारे पास कागज कैसे हैं? ओ अच्छा, ये कागज, इनसे तो मैं स्वीट पोटैटो को भूनूंगा मियों को। बूटा गोरिल्ला, तुमने इतने सारे जीरो नंबर इकट्ठे किए? इसमें जीरो नंबर ही नहीं, 25 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, वो भी हैं। अच्छा ठीक है, मैं सीक्रेट भूल गया था। मुझे लगता है स्वीट पोटैटोस को भुनने के लिए इतनी आग बहुत है। मेरे ख्याल से स्वीट पोटैटोस पक चुके हैं मिस्टर बेंजो। ओ गॉड, मेरे स्वीट पोटैटोस अच्छी तरह पका दो प्लीज। लो इसे चेक कराओ। कुछ भी नहीं हो रहा। कुरुसुके, क्या ये खराब तो नहीं हो गया है? इसकी नाप तब तक लाल नहीं होगी जब तक उसका टेस्ट बिल्कुल हाइकिची अंकल के स्वीट पोटैटोस जैसी ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक, वैसा टेस्ट बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं इसकी आग को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। चुंगारी, यही चांस है अपनी उन आंसर शीट से पीछा छुड़ाने का जो तुमने अपनी मॉम को नहीं दिखाई। बूटा गोरिल्ला, देखो मुझे अपने जैसा मत समझो। अच्छा गुस्सा तो मत करो। देखिए मिस्टर बेंजो, वो वाली स्वीट पोटैटो देखने में टेस्टी लग रही है। ये तो टेस्टी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस स्वीट पोटैटो को फौरन खा जाऊं। उस स्वीट पोटैटो को भी चेक करते हैं मिस्टर बेंजो। कुछ नहीं हुआ। ये देखने से तो बड़ी टेस्टी लग रही है। मुझे लगता है शायद इसने स्वीट पोटैटो को जीरो मार्क्स दिए हैं, इसलिए काम नहीं कर रहा। बुद्धू टोंगारी, स्वीट पोटैटो पढ़ नहीं सकती है। मिस्टर बेंजो, क्या वो ग्लव्स आप मुझे दे सकते हैं? बहुत जोर की लगी। हाँ, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे इस डेंगू पर जरा भी विश्वास नहीं है, मैं खुद चेक करके देखूंगा। ये वाला देखो, ये तो पत्थर है बूटा गोरिल्ला। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो पत्थर से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन इसकी शेप तो बिल्कुल स्वीट पोटैटो से मिलती है। बताओ कि तरह, क्या ये स्वीट पोटैटो तुम्हें टेस्टी लगती है? नहीं, ये तो कितरेत्सु का। हाँ, कभी कभी कितरेत्सु भी तो फेल हो जाता है ना। ये बिल्कुल ठीक है। हाइकिची अंकल, आप यहाँ? और मिस्टर बेंजो की मॉम भी उनके साथ है। पहले जो तुमने मदद की थी उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ, आपका स्वागत है। एक बात बताइए अंकल, क्या इस टेंगो स्मेल स्टोन को आपने बनाया है? बिल्कुल सही कहा तुमने। अंकल, आपने बहुत अच्छी चीज बनाई है। तुम ज्यादा ही दोस्ती दिखा रहे हो। तुम चुप करो। बिल्कुल, स्वीट पोटैटो बनाने के लिए टेस्ट बहुत जरूरी होता है और उसके स्टोन भी जरूरी हैं। हाँ, और तुम्हारे अंकल इन स्टोन्स को गांव की नदी के पानी से अच्छी तरह पॉलिश करते हैं, समझे? हाँ, अगर स्टोन अच्छी तरह से भुन रहा है तो समझो स्वीट पोटैटो भी बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है। अच्छा, लेकिन स्टोन की स्मेल? मैं बेंजो की सोच को अच्छी तरह से जानता था। मैंने मिस्टर बेंजो से कहा था ऐसा करने के लिए। पर शायद मैं ठीक से कर नहीं पाया। ठीक है, मैं भी खाकर देखती हूँ। इतने बुरे भी नहीं है, टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छे बनाए, खूब। क्या बात है मिस्टर बेंजो? अब पता चला, ये शायद टेंगू की वजह से हुआ। देखो, जब तक हम कुछ काम नहीं करते कुछ भी पता नहीं चलता। मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता भी नहीं मिलेगी, समझे? तो ठीक है, सब लोग ले लो। ओके, मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक भी बार नहीं खाया और हम सिर्फ इसके स्मेल टेस्ट कर रहे थे। स्वीट पोटैटो का टेस्ट देखने के लिए उसे खाकर देखना जरूरी है। बहुत टेस्टी है। हाँ, बहुत गर्म भी है। मिस्टर बेंजो, आखिर आपने हिकीची स्वीट पोटैटो बना ही डाली। हाँ, ये सब जीरो नंबर का कमाल है। जीरो नंबर, इसका क्या मतलब हुआ? सबको बताने की क्या जरूरत है चौंगारी? मिस्टर बेंजो, अब आप भुनी हुई स्वीट पोटैटोस बेच सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, मजाक कर रहा, अब से स्वीट पोटैटो मैं बेचूंगा। लेकिन आप ऐसी हालत में एक्सीलरेटर छू भी नहीं पाएंगे। क्या, मैं एक्सीलरेटर को नहीं छू सकता? एक्सीलरेटर क्या होता है? देखो ये तो बिल्कुल बूटा गुर्रा की तरह ही बोल रहे हैं। दुख की बात है ना कि मिस्टर बेंजो स्वीट पोटैटो एक बार भी नहीं बेच सकेंगे। ये टेस्ट तो इससे गलती से बन गया था। हाय किची अंकल, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मुझे एक बार तो मौका दीजिए इसे बेचने का। बताइए क्या आप बेंजो को ये मौका देंगे? ठीक है, लेकिन स्वीट पोटैटो को अपनी जोरदार आवाज से ही बेचना। चलो एक रात के लिए ही सही, पर वो स्वीट पोटैटो बेचने वाले बन गए हैं। सही कहा, आने ही वाले होंगे। भुने स्वीट पोटैटो, भुने भुने स्वीट पोटैटो ले लो। अरे ठीक से बोलिए। हाँ हाँ, मैं बोलने की कोशिश कर तो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कितने छू। मिस्टर बेंजो जरा स्टाइल से बोलिए ना। भुने, अरे जरा ठीक से बोलिए ना। अरे पता नहीं इन्हें क्या हो गया, लगता है स्वीट पोटैटोस फिर से नहीं मिलेंगे। स्वीट पोटैटोस ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। भुने स्वीट पोटैटो ले लो। जरा ठीक से कोशिश कीजिए मिस्टर बेंजो। ये तो मिस योकी है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे नहीं ये क्या, मिस्टर बेंजो कभी नहीं सुधरेंगे।